दोस्तों रोज एक पौधा कार्यक्रम में आज सीटा अक्यूटा करेटा करेंटी का नाम से भी कहते हैं इस पौधा। ये देख लीजिए, इसका ये पत्तियों का एज क्या है, बिल्कुल आरी का दार जैसे बिल्कुल नोकीला रहता है। इसका ये जोड़ में जॉइंट जॉइंट में फूल रहता है, इसका बीज भी रहता है। ये पौधा बिल्कुल देख लीजिए, ये ज़्यादा मजबूत पौधा रहता है, ये खींचने में भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मजबूत पौधा है। इसका फूल देख लीजिए, फूल येलो कलर का फूल रहता है, बिल्कुल छोटा छोटा फूल रहता है वो। ये पत्तियों को थोड़ा सा ऊपर रहता है ये फूल। ये है सीटा अक्यूटा का पौधा। ये घर का आसपास में पैदल जाने के रास्ता में सब जगह दिख जाता है। इसका ये इसका पत्ती का दार देख लीजिए बिल्कुल। दोस्तों ये सीटा अक्यूटा का पत्तियों का ये पौधा का ये पत्तियों का पत्ती बहुत फायदा रहता है। ये पत्तियों को पीस के इसका रस निकाल के कहीं भी चोट लगता है, चोट में कहीं भी मेटल का कारण, कहीं भी लोहे के कारण, गांव में गए खेती में काम करने टाइम में उसी टाइम चोट लग जाता है, उसी चोट में इसका रस निकाल के लगाने से ये जल्दी ये चोट ठीक हो जाता है। ये सीटा कीटों का ये जड़ को 5 से 10 ग्राम तक लेके पानी डाल के उबाल के पीने से गॉल ब्लैडर स्टोन्स सही हो जाता है। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी ठीक होता है, स्पैम काउंट बढ़ जाता है मेल के लिए, इरेक्टाइल प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ये सीटा कीटा का पत्तियों का थोड़ा 20-25 पत्ती लेके उसके साथ पानी डाल के उबाल के पीने से बुखार ठीक हो जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स ठीक हो जाता है। इसके अलावा शरीर में रुका हुआ टॉक्सिन्स वो सब बाहर निकल जाता है। ये सीटा अक्यूटा का पत्ती 20-25 लेके उसके साथ थोड़ा सा काली मिर्च थोड़ा सा लहसुन डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से सर दर्द ठीक होता है, शरीर में रुका हुआ सब टॉक्सिन्स कीटाणु सब बाहर निकल जाता है। ये सीटा अक्यूटा का पत्तियों को अरंडी के तेल पीस के अरंडी के तेल लगा के गर्म करके उसका कई भी सूजन है का हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उस जगह पर लगाने से ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसमें लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसका रस का निकाल के आपका नी पेन में घुटने का दर्द में लगाने से भी जल्दी ठीक हो जाता है। दांत दर्द के लिए ये सीटा अक्यूटा का फूल 20-25 फूल लेके उसके साथ पानी डाल के उबाल के उसका 2-3 बार खुले करने से दांत दर्द ठीक हो जाता है।